हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक एपिक्स मोबाइल की नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना क्योंकि ये टिप्स आपके गेम प्ले को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मगर हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर लेना क्योंकि आगे भी और भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहेंगी। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। और पहला पॉइंट ऑक्टेन यूजर्स के लिए है। देखो, जंप पैड का यूज बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, वो हाइट का एडवांटेज लेने के लिए, भागने के लिए, फॉल बैक करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके, जिनमें से एक बेस्ट यूज ये है जंप पैड का कि तुम उससे मिड एयर में हील कर सकते हो अपने आप को। एक बार अगर तुम जंप पैड का यूज करते हो और हवा में जाते हो और फिर डबल जंप करते हो तो उस टाइम में तुम एक बैटरी सेल लगा पाओगे। और क्योंकि तुम जंप पैड का यूज कर रहे होगे, मिड एयर में रहोगे तो एनिमी भी तुमको इजिली शूट नहीं कर पाएगा, प्लस वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, अपने टीममेट्स को बैकअप भी नहीं दे पाएगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फायदा ही होगा इससे। और अगर ये तुम सक्सेसफुली कर पाते हो तो तुम्हारी पूरी शील्ड रिचार्ज हो जाएगी और तुम फुल हेल्थ के साथ फाइट ले पाओगे। और चाहे तुम्हारे पास कोई और लेजेंड ही क्यों नहीं है, तुम्हारे आसपास अगर जंप पैड पड़ा हुआ है तो उसका यूज करके तुम मिड एयर में किसी भी लेजेंड के साथ हील कर सकते हो। तो जरूर ट्राई करके देखना, कूल भी दिखता है और इंपॉर्टेंट तो है ही ये। तो देखो, स्टीम का यूज किया करो और बार बार यूज किया करो। स्टीम दिया ही इसलिए गया है ऑक्टेन को ताकि वो बार बार यूज करके अपनी मूवमेंट का यूज करके बंदों को मार सके। लेकिन हाँ, पूरा स्टीम चूस चूस कर अपनी हेल्थ 5-10% मत कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे और जैसे ही तुम्हारी शील्ड टूटेगी उसके बाद एक गोली भी पड़ी तो तुम सीधा नॉक हो जाओगे। तो स्टीम का यूज करो, बार बार यूज करो, दिया ही इसलिए गया है, लेकिन 40-50% तक ही यूज करो, उसके बाद अपने आप को हील कर लो, थोड़ा भी टाइम है तो। लेकिन चूस चूस कर 5-10% में मत लेके आओ कि एक गोली भी पड़े तो तुम तुरंत नॉक हो जाओ। तो देखो, रेत का पोर्टल और वॉइड दोनों साथ में यूज किया करो, यानी रेत की अल्टीमेट एबिलिटी और टैक्टिकल एबिलिटी का दोनों साथ में यूज किया करो। रेत का अल्टीमेट एबिलिटी पे क्लिक करो, जैसे ही वो पोर्टल बनाना स्टार्ट करे तुरंत वॉइड पे क्लिक करो, यानी उसकी टैक्टिकल एबिलिटी पे क्लिक करो और वॉइड को लेके इधर उधर घूमने लगो, या फिर हो सके तो कहीं पे कवर ले लो या फिर छिप जाओ। पोर्टल को पूरा कंप्लीट मत करो, पोर्टल को पूरा मत बनाओ, खासकर ये तब जब तुम्हारा कोई चेज कर रहा हो। इससे होगा ये कि एनिमी कंफ्यूज हो जाएगा, वो तुमको ढूंढता रहेगा कि आखिर रेत गई तो गई कहां, क्योंकि रेत का जब वॉइड यूज करते हैं तो कुछ देर के लिए गायब सी ही हो जाती है। उसके पीछे ब्लू कलर का कुछ तो ग्लो दिख रहा होता है, मगर थोड़ा भी अगर तुम कवर में चले जाते हो तो रेत कहां गई पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके से अगर तुम यूज करोगे रेत की एबिलिटीज का तो उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, और तुम इजिली फॉल बैक कर पाओगे। अगर तुमको हील वील करने का टाइम चाहिए तो इजिली कर पाओगे, किसी क्रिटिकल सिचुएशन पे बहुत इजिली निकल पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट टिप रेत के लिए कि अगर तुमने रेत का पोर्टल कंप्लीट कर लिया है तो तुम एनिमी को पूरा इरिटेट कर सकते हो उसमें बार बार घुमा के। बार बार एनिमी को उस पोर्टल के अंदर घुमाते रहो, एनिमी इरिटेट हो और तुमको छोड़ देगा, कहेगा जाने दो यार, इसको बाद में देख लेंगे। मगर ये तुमको बहुत ही स्मार्टली करना होता है और बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। अगर तुमने थोड़ा भी टाइम लिया तो सामने वाला बंदा दूसरे दरवाजे पे तुम्हारा वेट कर रहा होता है। लेकिन अगर तुम सक्सेसफुली कर पाते हो तो एनिमी को पूरा इरिटेट कर दोगे तुम और वो तुमको छोड़ के भाग जाए, कहेगा नहीं मारना भाई मैं इसको। और मैंने ये खुद फेस किया इसलिए बता रहा हूं। अगर कॉस्टिक टीम में है तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर टीम में कॉस्टिक नहीं है तो बहुत इरिटेट करती है रेत पोर्टल में। कॉस्टिक की बात आई है तो कॉस्टिक की कुछ टिप देख लेते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लो कि कॉस्टिक एक होल्डिंग लेजेंड है। इसकी एबिलिटीज में तुमको एनिमी को ट्रैप करना होता है, मतलब जितनी ज्यादा देर तक तुम एनिमी को स्मोक में ट्रैप करके रख सकते हो कॉस्टिक के, उतना ज्यादा तुमको फायदा होगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से डैमेज बढ़ता जाता है स्मोक में। तो अगर कॉस्टिक तुम्हारे पास है तो बिल्डिंग्स को होल्ड करो, वहां पे सारे जगह पे ट्रैप लगा दो, जहां जहां से एनिमी अंदर आ सकता है। अगर तुमने एनिमी को फिनिश कर दिया है, मार दिया है, तो डेथ बॉक्स के पास भी वहां पे तुम कॉस्टिक का ट्रैप लगा सकते हो, क्योंकि उसका टीममेट अगर उसका बैनर उठाने आएगा तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ कोई बैनर उठाने आया है, तुम इजीली जाके उसको भी फिनिश ऑफ कर सकते हो। तो देखो, अगर तुम क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हो और तुम्हारी गन अगर रीलोड पे गई है तो तुम एक जो चीज कर सकते हो वो है गन स्विच। और गन स्विच के अलावा एक और चीज जो तुम कर सकते हो वो है मिली अटैक्स, क्योंकि एपेक्स मोबाइल का जो मिली अटैक्स है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज देता है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अगर तुमको लगता है कि एनिमी वन टैप रह गया है तो वेपन स्विच करने के बजाय तुम उसको मिली अटैक करके मार सकते हो। मगर हाँ, ये तभी करना जब तुमको लगता है कि वन टैप ही रह गया है वो, और सिर्फ वन टैप के लिए तुम गन स्विच करके मारो, इससे अच्छा तुम्हें मिली अटैक ही कर दो, इट लुक्स कूल और बंदा भी मर जाएगा ब्रो। इस गेम में तुम अपने मरे हुए टीममेट को दोबारा बुला सकते हो उसका टैग उठा के रिस्पॉन बीकन पे जाके स्कैन करके। लेकिन बहुत सारे बंदों को क्या होता है कि कहाँ स्कैन करना यही पता नहीं चल रहा होता है। उनको पता तो है कि रिस्पॉन बीकन पे स्कैन करना है, लेकिन रिस्पॉन बीकन का लोकेशन ही उनको समझ नहीं आ रहा होता है। तो अगर तुम मर गए हो तो फिर पिंग करते रहा करो, रिस्पॉन बीकन को पिंग करने का एक पिंग बटन होता है, उसको बार बार स्पैम करते रहो तो मैप में तुम्हारे टीममेट को लोकेशन दिखेगा कि कहाँ पे रिस्पॉन बीकन है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बहुत फेस की है, खासकर ये प्रॉब्लम रैंडम्स के साथ होती है। मर जाने के बाद वो बैनर उठा तो लेते हैं लेकिन कहां स्कैन करें उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देना चाहिए। और तुम भी जो पहली बार खेल रहा है तुम्हारे साथ टीममेट्स, उसको जरूर ये बता देना।
तो पहले तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस रेंज में दो, वहाँ पे सारे लेजेंड्स को ट्राई करो, जो लेजेंड तुमको सूट करे, जिसकी एबिलिटी तुमको ज्यादा लगे कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी रहेगी, मेरे गेम प्ले स्टाइल के हिसाब से ये लेजेंड मेरे को सूट कर रहा है, उस लेजेंड को लेके तुम अरीना में जाओ और अरीना में गेम खेल के देखो। एपेक्स मोबाइल का अरीना भी बहुत बेहतरीन है, उसके मैप्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल दिखते हैं, तो तुम प्रैक्टिस रेंज में लेजेंड्स और गन्स को पूरा अच्छे से देखने के बाद अरीना में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ तुमको मूविंग टारगेट भी मिलेंगे और उसके बाद अगर तुम बैटल रॉयल या फिर रैंक खेलोगे तो तुमको ज्यादा सेफ फील होगा और तुमको ऑलरेडी बहुत कुछ आता रहेगा, तो तुम इजीली फाइट्स जीत पाओगे। तो देखो, अगर तुम जिब्राल्टर के डोम के अंदर किसी को रिवाइव देते हो, किसी को क्या देखो, अपने टीममेट को रिवाइव देते हो, तो वो 33% फास्टर हील करता है। तो अगर तुम्हारी टीम में जिब्राल्टर है तो उसको ही रिवाइव देने दो डोम डाल के, और तुम अपने टीममेट को जल्दी हील कर पाओगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो जिब्राल्टर गाइड में बताई है, अगर तुमने नहीं देखा तो जाके जरूर उस वीडियो को देखना इस वीडियो के बाद, अभी मत भाग जाना। तो देखो, अगर तुम्हारी शील्ड भी टूट चुकी है और तुम्हारी बेस हेल्थ भी 30-40% बची है, तो बेस हेल्थ को हील करने के बजाय हमेशा तुम अपनी शील्ड को हील करने पे ज्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि पहले तुम्हारी शील्ड टूटती है उसके बाद तुम्हारी बेस हेल्थ कम होती है। तो अगर तुम्हारी बेस हेल्थ पूरी भी है लेकिन शील्ड रिचार्ज नहीं है और उसके बाद अगर तुम फाइट लोगे तो 2-4 गोलियों में तुरंत नॉक हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी 30-40% भी हेल्थ है या फाइट 10% भी है और अगर तुम अपनी शील्ड रिचार्ज कर लेते हो तो ज्यादा फायदा होगा, फाइट जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे तुम्हारे। तो पहले शील्ड रिचार्ज पे ज्यादा ध्यान देना। इस गेम में बहुत सारे गोल्डन आइटम्स हैं, जैसे गोल्डन हेलमेट, गोल्डन बैकपैक और भी बहुत सारे गोल्डन आइटम्स हैं, और उन सारे गोल्डन आइटम्स की वजह से तुमको बहुत सारी एबिलिटीज भी मिल जाती है। मतलब लेजेंड्स तो एबिलिटीज देते ही हैं, साथ में गोल्डन आइटम्स भी तुमको बहुत सारी एबिलिटीज दे देते हैं, मतलब बहुत सारी तो नहीं लेकिन कुछ तो दे ही देते हैं। तो गोल्डन आइटम्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, तो जरूर उसको जाके देख लेना। और अगर तुम एपेक्स लेजेंड्स में नए हो और अगर तुमने अभी गेम इंस्टॉल किया है तो लेफ्ट और राइट वाली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। और अगर थोड़ी भी हेल्प हुई है इस वीडियो से, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है अगर ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पीस।